देखिए उनकी चीजें बहुत टफ है, अपने को तो करना क्या है, पढ़ना है। और यकीन मानो अगर आज हमको बोला जाए ना कि आपको केवल कुछ नहीं करना है, 6 घंटे ऐसे कोई कोचिंग में जाके पढ़ना है, 6 घंटे घर आके पढ़ना है और आपको कुछ नहीं करना है, बढ़िया खाना मिलेगा, वही कपड़े धुलाई वगैरह होगी, रूम की साफ सफाई होगी, सब कुछ बेस्ट रहेगा, हम सब करने को तैयार है। अब 6 के 6 टीचर से पूछना, कोई मना नहीं करेगा। क्या खराबी है इस लाइफ में, पूछे क्या, पढ़ोगे तो किसका फायदा होगा, तुम्हारा ही होगा ना। कुछ भी तो नहीं करना है, बस पढ़ना है। और पढ़ना भी ऐसा नहीं है खुद को मजदूरी करनी है, बढ़िया ऐसी क्लास रूम में आके बैठ रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, अरे है ना। तो ये बहुत अच्छी लाइफ है, एंजॉय करो। बात में बहुत याद आएगी, आज से जब 7-8 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना तो फील होता है कि यार क्या लाइफ थी वो भी, जब तक हम 11th 12th तक थे, 10th तक भी बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा होगा। तो ये लाइफ बहुत अच्छी है बेटा, आज से 7-8 साल बाद जब चीजें सोचोगे ना सब होगा, हो सकता है डिग्री हो, पैसा हो या सब चीज हो, लेकिन माइंड में एक होता है ना कि शांति की, रिलैक्स, वो नहीं होगा। बस एक अलग ही भीड़ में होंगे और हम चले जा रहे होंगे, उस भीड़ में कुछ पाने के लिए बस चल रहे होंगे। और अभी जो ये बचपन है ना इसमें कुछ नहीं है, शांति है बस। जब छोटे थे कोई टेंशन होती थी क्या, कुछ नहीं है, स्कूल से आए ऐसा होता था शाम को साइकिल चलाने जाना है, खेलने जाना है, क्योंकि बढ़िया खुशी मिलती है। और धीरे धीरे क्या होंगे, पढ़ाई को भी लोड लेके काम करोगे तो नहीं होगा, रिलैक्स हो। कोई भी चीज, कोई भी डिग्री आपकी खुशी से बड़ी नहीं है, तो खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है। और हम लोग क्या है, जब छोटे थे ना तो एक चीज की अपने को अभी बहुत तकलीफ होती है, जब छोटे होते ना तो हम ये सोचते हैं कि पेरेंट्स हमें खुश रखेंगे। कुछ भी चीज हम दुखी होते थे, पेरेंट्स आते थे ना, बेटा क्या चाहिए, क्यों दुखी हो रहा है, पापा कार चाहिए, ले रिमोट वाली कार दिला रहे, है ना, बेड चाहिए बेड दिला दिया, मम्मी बोलती थी तेरे खाने का पसंद की चीज बना देती हूँ जो तुझे पसंद है, उसमें खुश हो जाते थे। और चाहे तुम भी नहीं बोल पाओगे, और या तुम किसी चीज से दुखी होगे तो अपने पेरेंट्स को बोल भी नहीं पाओगे, वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो अभी क्या वो टाइम आ गया, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद को। अगर हम सोचेंगे ना कि ये तुम्हें खुश रखे, क्यों रखेगा, वो खुद भी तो दुखी। तो खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद को, तो बस खुद को खुद खुश रखो, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे तो आपको हमेशा दुखी दुख मिलेगा, क्योंकि वो खुद की सोचेगा या तुम्हारी। अभी तुम लोग सब ऐसे मतलब सपोर्ट कर रहे हो कि सब भाई डॉक्टर बनेंगे, तुझे मैं हेल्प करूंगा, ये करूंगा। लास्ट में अगर तुम दो बहुत अच्छे दोस्त हो और एक ऑप्शन ऐसा दिया जाता है कि दोनों में से एक ही मेडिकल कॉलेज में जाएगा, तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जो सेक्रीफाइस करेगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तू जा, नहीं होगा ना, मैं नहीं जानता। तो छोटी छोटी चीजें, मस्त रहो, ज्यादा लोड मत लो। कितने 15-16 साल के बच्चे, 16-17-18 के होंगे, इससे ज्यादा क्या होंगे, नॉर्मल रिलैक्स रिलैक्स रहो। और ये अगले जो 17-18 महीने ना आपकी लाइफ का टेम्पो सेट करेंगे, बढ़िया रिलैक्स रहते हो, अच्छे से रहते हो, पढ़ाई करते हो, मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, लाइफ अच्छी है। नहीं भी पहुंचे किसी और फील्ड में, अच्छा कर लिया, तो भी लाइफ अच्छी। मैंने एक मैसेज बताया था तुमको कि मेरी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, नहीं बताया क्या? नो सर। 2016 में मैं लीडर बैच में पढ़ा रहा था, है ना, तो उस एक स्टूडेंट का करीब 20-25 दिन पहले मैसेज आया था फेसबुक पे कि हाय सर, मैं ऐसे ऐसे, आपने मुझे उस बैच में पढ़ाया था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ गया, मैंने कि हाँ शायद पढ़ाया होगा। तो बोलती सर, उससे मेरा नीट नहीं निकल पाया था, मैं नीट नहीं निकाल पाई थी, लेकिन सर क्या है, मेरा एडिशनल मैथमेटिक्स था, तो सर क्या कर रहे हैं, मैंने BBSR भुवनेश्वर से किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से सर मैंने इंजीनियरिंग कर ली सर, मेरा अभी 6th सेमेस्टर है, मेरा हैदराबाद की एक कंपनी में कैंपस सिलेक्शन हुआ है कुछ फ्यूचर रेडियस नाम में, कि सर मेरा 11 लाख पर एनम का पैकेज लगा है, तो मुझे आपको थैंक यू बोलना था कि सर आपने पढ़ाया था। 11 मिलियन 11 लाख। और तो उस बच्चे के यही मैसेज थे कि सर उस समय जब मैं पढ़ती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा नीट नहीं होगा तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं होगा। उस समय सर मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं था, कि मतलब मेरा 2 दिन भी बर्बाद होते थे ना तो मुझे ऐसा लगता था मेरा नीट ही नहीं होगा, मैं बहुत पीछे छूट गई हूँ, शायद सबसे पीछे रह गई हूँ, सब लोग मुझसे आगे निकल गए, ऐसी ऐसी चीजें आती थी। लेकिन बोला जब सर मैंने ये स्ट्रीम छोड़ के कुछ नया सीखा, उस फील्ड में गई, तो अब मुझे चीजें समझ में आने लगी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और बोलती सर मैं डॉक्टर बनती तो मैं कुछ भी नहीं रहती,
क्योंकि मुझे नहीं बनना था। डॉक्टर को क्या होता, आधी रात को भी उठा देते, चलो पेशेंट आ गया, और मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। ठीक है, पढ़ाया वो।